जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। अब फंक्शन को आगे बढ़ाने से पहले हमारे डीन सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पर आए और स्टूडेंट्स की अचीवमेंट के बारे में दो शब्द कहें। हेलो एवरीवन, आज हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। रिकॉर्ड बनने पर जितनी खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी रिकॉर्ड के टूटने पर होती है, और खास करके तब जब वो रिकॉर्ड तोड़ने वाला हमारा कोई अपना होता है। जी हाँ, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो हमारे ही कॉलेज की एक स्टूडेंट है जिसने गढ़चिरौली जैसे छोटे से गांव से आने के बावजूद भी नागपुर मेडिकल कॉलेज में न सिर्फ एडमिशन लिया बल्कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग परसेंटेज लाकर टॉप किया। सई जोशी। सई, तुम सुन भी रही हो डीन सर तुम्हारे लिए कितना अच्छा बोल रहे हैं, तुम्हारा मूड ऑफ क्यों लग रहा है? क्या तू साहस को इस दुनिया में लाने में श्रुति की मदद करेगा? अमीर वादा कर। साहस, आपको पता है आपने यहां तक आने के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। वाकई आपके बाबा ने आपका जो नाम रखा है बिल्कुल ठीक रखा है। सास, ये देखना सदा तेरा बेटा है छोटा सदा। तू जाके भी है ना यार, अपना आशीर्वाद दे ताकि वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाए। सास, आपने अभी कुछ नहीं देखा है, यहां बहुत भाग दौड़ है, आपको अब और साहस दिखाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपके बाबा को वादा दिया था कि मैं आपको सही सलामत इस दुनिया में लाऊंगा। प्लीज मेरा वादा मत तोड़ना। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने अभी तक अपने आप को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं आपके बाबा का बेस्ट फ्रेंड हूं विराट। आप मुझे वीरू काका बुला सकते हैं, और आपको पता है आपकी एक काकी भी है, सही काकी। आप ये सोच रहे होंगे ना कि आपके वीरू काका क्यों रो रहे हैं? आपकी जो सही काकू है उन्हें बहुत बड़ा अवार्ड मिल रहा है, बहुत बड़ा। वो मुझे मिस कर रही है जैसे मैं उन्हें मिस कर रहा हूं। पता है अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन कर रही है, बहुत गर्व है मुझे उस पर। और आपको देखकर शायद उन्हें मुझ पर भी गर्व होगा।
होगा। थैंक यू एवरीवन, लेट द अवार्ड सेरेमनी बिगिन। अगर आपको सच में मेरी परवाह होती तो आप अब तक आ चुके होते। थैंक यू विराट सर, मुझे बताने के लिए कि आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैं आपके लिए कुछ मायने नहीं रखती। थैंक यू सो मच। ये देखो, ये है आपकी सही काकी, बहुत प्यारी है ना। मैं आपकी भी फोटो ले लेता हूं। हाँ, एक और। यू नो सही, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे इतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन ये मुझे जरूर पता था कि तुम टॉप जरूर करोगे, लेकिन रिकॉर्ड ही तोड़ दूंगी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सही, मैं तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। तुमने ऐसी शक्ल बना रखी है जैसे तुम फेल हो गई हो। आखिर हुआ क्या? मैंने कॉलेज के एग्जाम में जरूर टॉप किया है, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में फेल हो गई हूँ। रिश्तों के सब्जेक्ट में मुझे जीरो मिला है, जीरो। मेरा बच्चा कहाँ है? साहस बिल्कुल ठीक है, रेस्ट कर रहा है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेटा हुआ है। बेटा कहाँ है वो? विराट मुझे देखना है उसको। अरे एक सेकंड श्रुति, अरे आप उठिए मत, आप आराम कीजिए। हाँ विराट मुझे देखना है उसको। साहस ठीक है, तुमने देखा है उसे? हाँ। ये लो, खुद ही देख लो। ये ऐसे बॉक्स में क्यों है? घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा कमजोर है अभी वो। तुम तो जानती हो ना किन हालातों में साहस इस दुनिया में आए, पर तुम फिक्र मत करना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। मुझे इसके पास ले चलो विराट, मुझे उसको अपने हाथों में पकड़ना है, प्लीज ले चलो। पकड़ लीजिएगा, आप ही का बच्चा है, पर आप उससे पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए अपने हाथ लाइए, अभी मुझे इंजेक्शन आपको लगानी है। मिस्टर चौहान, अगर आपको भी कहीं बाहर जाना है या रेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं, माँ और बच्चा अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में हैं। रियली? कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको? नहीं, और अगर कोई जरूरत पड़ी तो हम आपको फोन कर लेंगे। थैंक यू सो मच। क्या मैं सही को अवार्ड लेते हुए देख पाऊंगा? पापा, मुझे सही वक्त पे वहां पहुंचा देना प्लीज। हे मोहित, कैसा है? असम्राट? विराट कहाँ है? दिख नहीं रहा है। अच्छा, भाभी के लिए गिफ्ट लेने के लिए गया है या उनके लिए कोई सरप्राइज प्लान कर रहा है? वैसे आज भाभी को हौसला बढ़ाने की जरूरत है नहीं, अभी ने सारे किले फतह कर लिए, टॉप आई है। क्या बोलता है? सनी, ये वक्त मजाक का नहीं है, माहौल थोड़ा सीरियस है। क्यों, क्या हुआ? यार विराट अभी तक फंक्शन में नहीं पहुंचा है। अच्छा, क्या हुआ ऐसा?
किसी को नहीं पता कि क्यों नहीं पहुंचा है, किसी का फोन भी नहीं उठा रहा है। तुझे तो पता होगा ना उसके बारे में? हाँ, मैंने उसे फोन किया था, उसने रिसीव नहीं किया। मैंने मैसेज किया, उसने रिप्लाई नहीं किया। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। विराट कहाँ है मैं उसके बारे में नहीं पूछ रहा, मैं श्रुति की बात कर रहा हूँ। तू तो श्रुति के बारे में जानता होगा ना? श्रुति? नहीं नहीं, उस दिन जिन सही भाभी ने फोन तोड़ा था, उस दिन मैंने पहली बार श्रुति का नाम सुना था। मैं नहीं जानता श्रुति कौन है। पर अगर विराट से इसका कोई लेना देना है तो उसने सही भाभी को कुछ ना कुछ बताया होगा ना इस बारे में। यही तो प्रॉब्लम है यार, सही को भी उतना ही पता जितना हम सबको पता है। क्या मतलब? मतलब ये कि श्रुति उसके दोस्त की बीवी है, जैसा विराट ने उसे बोला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो विराट को रात रात कहीं फोन करती, और जब भी उसका फोन आता है विराट कहीं चला जाता है। क्या मुझे सबको वो बात बतानी चाहिए या नहीं? अगर वो औरत किसी मुसीबत में है, अकेली है, तो विराट को उसे घर लेके आना चाहिए था। हम सब उसका ख्याल रखते, हम सब उसकी मदद करते। तो तुम्हारा मतलब है कि हम लोग भी श्रुति का वैसे ही ख्याल रखते जैसे हमने सही का रखा है, क्योंकि विराट उसे घर ले आया था। तुम्हें क्या लगता है, विराट ने औरतों की मदद करने के लिए कोई धर्मशाला खोल के रखी है क्या? अब्दुल ने कहा, हर बात में अपनी टांग अड़ाना जरूरी है क्या? कभी कभी चुप भी रहा करो। एक्सक्यूज मी, मुझे तो गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि उसने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया यार। उसने सही को कुछ नहीं बताया, अपनी बीवी को। तो तू उससे और क्या उम्मीद कर सकता है? मुझे उससे बात करनी होगी, मेरा दोस्त है वो। लेकिन टेंशन की बात यह है, जब मिशन पे जाने से पहले विराट और सही के बीच में इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी, सब कुछ इतना अच्छा हो गया था, फिर विराट के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसने उस इंसान से वो सब बातें छुपाई जो उसके सबसे ज्यादा करीब है? सही भाभी को उसने कुछ भी नहीं बताया यार। दादा, मैं बहुत चुप नहीं रह सकता। मुझे लगा था ये बात अपने आप खत्म हो जाएगी, लेकिन ये बात तो और बढ़ती जा रही। कौन सी बात मोहित? विराट और श्रुति के बारे में क्या जानते हैं? मैं जानता हूं उनके बारे में सब कुछ। मुझे ऐसा लग रहा है विराट दादा कुछ गलत करे, और इसीलिए मैंने सही बहनी से बात करने की कोशिश भी की थी, पर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि ये बात इतनी शर्मनाक जो है। बकवास किया जा रहा है यार, पागल हो गया तू? ऐसी क्या बात है मोहित, ये तो बता नहीं पा रहा। दादा, मैंने विराट दादा को एक ऐसी जगह दिखा है जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए था। तो पहेलियाँ मत पूछा, साफ साफ बता बात क्या है मोहित। मैंने विराट दादा को एक अनजान औरत के साथ देखा था, वो एक होटल रूम से बाहर आ रहे थे। कुछ बोल रहा है ये, मैं नहीं मानता। आपके मानने या ना मानने से सच तो नहीं बदल जाएगा ना? मैंने ये बात बस आप दोनों को बताई और किसी को नहीं बताई, सही वहीनी तक को नहीं बताई। मैंने बस वहीनी से कहा है कि दादा पर नजर रखें, दैट्स इट। मुझे साफ साफ बताना अच्छे से कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। आपको पता उस दिन मुझे वो एक होटल में डायरेक्टर ने बुलाया था सीरियल के ऑडिशन के लिए। वो होटल नागपुर अमरावती के बॉर्डर के बीच में, और उसी होटल में मैंने दादा को उस औरत के साथ देखा। उसके साथ कोई और भी था क्या? नहीं, सिर्फ वो दोनों थे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि विराट ऐसा कुछ कर सकता है, वो भी सही के साथ। उस बेचारे की क्या गलती थी जो विराट उसके साथ ऐसा कर रहा है? विराट सही भाभी के साथ सपने में भी कुछ गलत नहीं कर सकता, इतना गिरा हुआ काम तो हरगिज नहीं कर सकता। देखना, इन सब बातों के बीच में कोई ना कोई छुपी बात है जो एट द एंड सबके सामने आएगी। रियली होप सो। इन सब बातों का जवाब तो अब सिर्फ विराट दे सकता है। Ladies and gentlemen, please put your hands together for rank number 10, Miss Poonam Awasthi. Congratulations. Thank you. अभी तो हमारी सही भी स्टेज पे आएगी ना? देवी ताई, आपकी सही। हमारी सही भाभी है कहाँ? वो देखिए ना, सारे रैंक होल्डर्स तो यही लाइन में खड़े हैं, लेकिन सही भाभी कहीं नजर ही नहीं आ रही है।
करिश्मा, कैसे सवाल क्वेश्चन प्रश्न पूछ रही है तू? सही क्या आम लड़की है? अरे आज तो उसको सेलिब्रिटी की तरह मान सम्मान मिलेगा, इतना बड़ा तामझाम उसकी वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनाली, सिर्फ एक गलती है, हमारी सही किसी सेलिब्रिटी जैसी नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी है। आज जब न्यूज चैनल्स वाले उसका इंटरव्यू करेंगे ना, तब देख लेना सब। कल ही पुलकित बता रहा था। सच में मुझे गर्व है सही पे, आज उसने अपनी मेहनत से, अपने लगन से जो जगह बनाई है ना, देखना सब लोग उसको अहमियत दे रहे हैं, लेकिन वो जिसकी अहमियत की उम्मीद करते वो तो यहाँ है नहीं। And now please put your hands together for rank number 6, Harsh Vagle. Congratulations. Ladies and gentlemen, now please put your hands together for rank number 3, Mr. Aniket More. Congratulations. Ladies and gentlemen, please put your hands together for rank number 2. It's Rohit Jadhav. Congratulations. और अब वक्त है उस स्टूडेंट को बुलाने का जिसने ना सिर्फ फर्स्ट रैंक हासिल किया है बल्कि एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है जिसपे पूरे कॉलेज को नाज है। मैं नहीं बता सकता कितनी मुश्किल से यहाँ पहुंचा हूं मैं, लेकिन यहां पहुंचना जरूरी था, मैं पहुंच गया। मैं जानता हूं सही, तुम मुझसे बहुत नाराज होगी और निराश भी होगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि तुम्हारे अवार्ड लेने से पहले मैं यहां पहुंचाऊं, क्योंकि मैं अपनी आंखों से तुम्हें अवार्ड लेते हुए देखना चाहता हूं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर कॉलेज सई जोशी। मैं अपनी जिंदगी का ये बेशकीमती पल किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहता। ऊपर आ जाओ। ये सही, ये ये ये। देखा? सही कोई अवार्ड मिला? लेकिन विराट ना आने की वजह से वो दुखी है। श्रीनी, अगर मुझे पता होता कि विराट कहाँ है, अभी जाकर कान पकड़ कर ले आता उसे यहाँ। मैं डॉक्टर पुलकित से रिक्वेस्ट करूंगा कि यह अवार्ड वो सही को दें, क्योंकि सही की इस उपलब्धि में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। प्लीज। सही,
Congratulations. Well done, Sai. आगे भी ऐसे ही रिकॉर्ड बनाते रहो बेटा, और अपना और अपने कॉलेज का नाम रोशन करो। For more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.